नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चिंता यादव। लोकसभा चुनाव में अब एक महीने से भी कम का समय बचा है, ऐसे में सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और रणनीतियों पर लगातार मंथन भी जारी है। बीजेपी ने जहां अपनी 4 लिस्ट जारी की है तो वहीं कांग्रेस ने 3 लिस्ट आउट कर दी है। बात मरुधरा की करें तो यहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने 15 उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगा दी है। कांग्रेस ने एक सीट यानी कि सीकर सीट सीपीआईएम के लिए छोड़ी है। टिकट बंटवारे में तीनों ही लिस्ट में पूर्व सीएम अशोक गहलोत का दबदबा कायम रहा है। वहीं जयपुर सिटी से ब्राह्मण चेहरे पर दाव खेलते हुए गहलोत के बेहद करीबी सुनील शर्मा को मौका दिया गया, तो वहीं गंगानगर से कुलदीप इंदौरा, पाली से पूर्व महिला आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल चुनावी मैदान में है। और इसी के साथ बाड़मेर से उम्मेद राम बेनीवाल और झालावाड़ बारा से कांग्रेस सरकार में रहे पूर्व मंत्री और गहलोत के बेहद करीबी प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला जैन भाया को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस आलाकमान ने इस बार नए चेहरों पर भी दाव खेला है। इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे सहयोगी सुरेंद्र सोनी सीधा न्यूज रूम लाइव हमारे साथ जुड़ गए। सुरेंद्र, जाहिर सी बात है मुहाने पर लोकसभा चुनाव है, ऐसे में दोनों ही पार्टियां इनके बाद एक अपनी लिस्ट जारी करती हुई नजर आ रही है। मरुधरा यानी कि राजस्थान पर अगर हम गौर कर ले तो कांग्रेस की तरफ से तीसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें तीसरे में से 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करते हुए नजर आ रही है। एक सीट ऐसी है जिसमें गठबंधन का ऐलान किया गया है। 5 सीट की अगर आज हम बात कर ले, 5 सीट ऐसे हैं जिसमें जाति और खर्च के मायने और इसके अलावा कोई गुटबाजी ना हो, इसके तहत कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अपनी लिस्ट जारी की है। बिल्कुल चंदा, देखिए कांग्रेस की अगर सूची अगर देरी से आई है तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि लगातार किन चेहरों को टिकट देना था उन पर लगातार मंथन जारी था। लेकिन आपने वो तूफान फिल्म का एक गाना जरूर सुना होगा कि जादूगर का जादू हाथों का कमाल है, करते हो तुम कैसे सबका ये सवाल है। देखिए कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में अशोक गहलोत का टिकट वितरण पर जिस तरीके से जादू चला है, ठीक वैसे ही लोकसभा चुनाव में भी गहलोत का यहां पर टिकट वितरण में बहुत बड़ा जादू यहां पर नजर आया है। लेकिन अब आप देखिए कि जो 5 उम्मीदवार मैदान में इस वक्त हैं उन पर अगर हम चर्चा करें तो आप देखिए कि सबसे पहले आप जयपुर ले लीजिए। जयपुर से सिटी से ब्राह्मण चेहरा है और आप देखिए कि इन चेहरों के पीछे जो है वो रफीक खान, अमीन कागजी, आरआर तिवारी, तमाम जो बड़े दिग्गज नेता है उनसे एक बड़ी राय ली गई थी और यहाँ से गोविंद सिंह डोटासरा और इसके अलावा टीकाराम जूली और अशोक गहलोत, तमाम उनका फीडबैक यही था कि एक नए चेहरे पर दाव खेला जाए। हालांकि ये कांग्रेस के बहुत करीबी भी रहे, अशोक गहलोत के करीबी रहे और ये लगातार पिछले 3 चुनावों से टिकट की मांग कर रहे थे, वो चाहे विधानसभा का टिकट हो चाहे वो लोकसभा का टिकट हो। अब आप आ जाइए कि अब आप देखिए कि इधर से 12 झालावाड़ की बात कर लेते हैं। प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला जैन भाया इस वक्त मैदान में है। आपको पता होगा और सबको पता है कि प्रमोद जैन भाया जो हैं वो अशोक गहलोत के बेहद करीबी रहे हैं। हालांकि वहां पर एक और नया चेहरा आ सकता था, लेकिन नए चेहरों पर दाव खेलने का कांग्रेस का मकसद यही था कि लोगों में एक नई सूची के हिसाब से और नए लोगों के बीच में जिस तरीके से ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने अपनी जो तीसरी सूची जारी की है, महिला कार्ड, जाति हो या फिर पैसे खर्च की संभावना, तमाम चीजों को ध्यान में रखा है। जयपुर की सबसे पहले बात करें, सुनील शर्मा का नाम जो कि बेहद करीबी है अशोक गहलोत के भी रहे हैं और सचिन पायलट के भी रहे हैं। हालांकि बताया जा रहा था कि हो सकता है आरआर तिवारी का नाम इसमें सामने हो, लेकिन पहले से यह बताया जा रहा था कि उनके पास पैसे खर्च करने की संभावना नहीं है और ये लगातार हम खबरें भी सुने हैं कि कांग्रेस के पास फिलहाल पैसे कम है और उसी के वजह से यहां पर सुनील शर्मा को कहीं ना कहीं टिकट दिया गया है क्योंकि उनके पास संसाधन थे पैसे खर्च करने के। बिल्कुल, ये तो सबसे बड़ी कांग्रेस के लिए क्राइसिस वाली तस्वीर है चंदा की। अब आप देखिए कि अभी कांग्रेस ने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो कांग्रेस के खाते फ्रीज किए गए हैं उनको लेकर के पूरे प्रदेश भर में इसका कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा विरोध किया जा रहा है। लेकिन लगातार कांग्रेस का आलाकमान ये कहता है कि भले पैसों से चुनाव ना लड़ें लेकिन जनता यहाँ पर जो है वो कांग्रेस को बड़ा समर्थन देने के लिए कहीं ना कहीं राजी है। लेकिन अब आप देखिए कि जो 5 जो चेहरे हैं कांग्रेस ने जिन पर मोहर लगाई है वो तमाम नए चेहरे हैं, उनको पहली बार टिकट दिया गया है। उधर से आप देखिए कि उम्मेद राम बेनीवाल हैं, इसके बाद आप देखिए कि उधर से कुलदीप इंदौरा हैं, इधर से आप पाली साहब आबाजाई संगीता बेनीवाल हैं, इधर से आप देखिए कि कांग्रेस, सबसे खास बात यह कि कांग्रेस की दूसरी सूची में 2 महिलाओं को एक बहुत बड़ी यहां पर जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन कह सकते हैं कि कांग्रेस ने तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए तीसरी सूची अपनी जारी कर दी है जिसमें कुछ को रिपीट नहीं किया गया, यानी कि कुछ 3 सीटों की अगर बात कर ले तो 3 सीट ऐसी है जिसमें नए चेहरों को घोषणा की गई है और एक चेहरा ऐसा है जिसे रिपीट किया गया। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस खबर पर लगातार
जानकारी साझा करने के लिए। और वो एक सीट जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, झालावाड़ 12 ऐसी सीट है जहां पर कांग्रेस ने पुराने चेहरे को ही अपनी रिपीट किया है। और झालावाड़ 12 ऐसा सीट है जहां पर वसुंधरा का एक परंपरागत सीट माना जाता है और वसुंधरा ने अपने बेटे दुष्यंत को वहां पर मैदान में उतारा है। और अगर बात कर ले कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो पाली या फिर बात कर ले श्रीगंगानगर, जयपुर, ये तीन ऐसी सीट है जहां पर कांग्रेस ने नए चेहरे पर दांव खेला है। हालांकि देखा जाए दो ऐसे महिला चेहरा है जिसे इस बार तीसरी सूची में जगह दी गई है, संगीता बेनीवाल की बात कर ले या फिर उर्मिला भाया की बात कर ले, दो ऐसे चेहरे हैं जिन पर मुहर लगती हुई नजर आई है। बहरहाल कांटे की टक्कर देखी जा सकती है, किस तरीके की आगे की स्थिति होगी ये देखना भी सबसे ज्यादा अहम होगा। बढ़ेंगे आगे, जयपुर में लोकसभा चुनावों के लिए राजस्थान में नियुक्ति किए गए प्रदेश चुनाव प्रभारी डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे आज जयपुर पहुंचे। यहां एयरपोर्ट पर पार्टी उपाध्यक्ष अजय पाल सिंह, जिलाध्यक्ष राघव शर्मा, मेयर सौम्या गुर्जर सहित अन्य पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद बीजेपी मुख्यालय में कोर कमेटी की बैठक भी हुई जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान चुनावी प्रभारी ने आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर चर्चा की। बैठक में कोर कमेटी के बाद बीजेपी पदाधिकारियों और चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा ने मंत्रियों और हाइकों को फील्ड में रहने के निर्देश दिए। राजस्थान में मुझे बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा का और उत्साह का वायुमंडल दिखाई दे रहा है। हमारा सारा कार्यकर्ता समूह बहुत प्रेरित है, बहुत उत्साहित है और मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार पुनः बने इसलिए वो सक्रिय तो पहले से ही है, अभी दुगुने उत्साह से जैसे जैसे टिकटों के बारे में निर्णय हो रहे हैं, उम्मीदवारों की घोषणा हो रही है, तो एकजुट होकर वो भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने के लिए संकल्पबद्ध हो गया। देखो बीजेपी एक ऐसा महासमुद्र है और विचारधारा से परिपुष्ट है, जिसकी विचारधारा पुष्ट है उसको आप इतिहास देख सकते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग छोड़ के गए, उनका नाम मिट गया और जो राजनीतिक लिप्सा से जाते हैं दूसरे दलों में उनको वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ हुए बड़े एमएलए मंत्री यहाँ पर बने, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए कि दल छोड़कर टिकट पाने के लिए, मंत्री एमएलए एमपी बनने के लिए दूसरे दल में जाएं, मैं इसको शर्मनाक मानता हूं। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है, उसी प्रकरण में पहले उनके जो मंत्रियों की गिरफ्तारी हुई और लगभग एक एक साल हो गया, सुप्रीम कोर्ट तक जमानतें खारिज हो गई, तो मामले में दम तो है ही और अभी उन्होंने भी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा दिया, कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो गिरफ्तारी हुई है वो सही है। हमारे कुछ साथी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं, जितना नुकसान वो हमको करेंगे उनके जाने से मैं ये मानता हूँ कि लगभग उतना फायदा भी हमको हो जाएगा, इसलिए ये प्लस माइनस बराबर होके भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा और हम राजस्थान में 25 की 25 सीटें जीतेंगे। हो सकता अंतर कहीं 1,000-2,000-5,000 वोटों का कोई अंतर कम बेसी हो जाए, वो एक अलग मुद्दा है। देखिए राम राज्य है, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कानून कार्रवाई करेगा, आज नहीं तो कल 100% करेगा, चाहे वो किसी भी दल का हो। इस देश के अंदर संविधान के तहत जो भी कार्रवाई होगी, कानून सम्मत कार्रवाई होगी, वो सबके खिलाफ होगी। अरविंद केजरीवाल जी को अगर वो निर्दोष हैं तो न्यायालय है, न्यायालय उनको उनके जो उनकी हक है उसके हितों की रक्षा करेगा, लेकिन अगर दोषी हैं तो न्यायालय ही उनको सजा देगा। ब्रजफाग महोत्सव समिति के तत्वाधान में सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के सामाजिक संगठनों की सहभागिता के साथ 23 मार्च को शाम 4 बजे से 8 बजे तक राजांगन रिजॉर्ट में पत्रकार कॉलोनी में रंग बरसे 2024 का आयोजन हो रहा है, जिसमें फाग महोत्सव में लोक कलाकारों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा गया है, जिसमें संयोजक नरेंद्र कुमार, वशिष्ठ सह संयोजक विवेक कुमार गोयल, समन्वयक मुकेश भारद्वाज, कमलेश कुमार कोषाध्यक्ष मौजूद रहेंगे। इसमें ब्रज का फाग, ब्रज का राग, ब्रज का रंग, ब्रज की संस्कृति सबसे उत्प्रोत ये रंगारंग प्रोग्राम रहेगा हमारा। ये
राजांगन रिसोर्ट है पत्रकार कॉलोनी मानसरोवर में, और इसका आयोजन जो समिति हमारी करा रही है वो चुनाव कमेटी की भी समिति रही है विधानसभा सांगानेर की, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम ये किया जा रहा है। आप इसके अंदर रासलीलाएँ हैं, ब्रज का जो भी भाग है एक तरीके से ब्रज को उठा के हम जयपुर में लेके आए। एक्चुअली ये ब्रज फागोत्सव का कार्यक्रम है, ब्रज फागोत्सव समिति राजस्थान के तत्वाधान में कार्यक्रम हो रहा है। कल शनिवार 4 बजे से 8 बजे तक कार्यक्रम रहेगा। इसमें हमारे जो क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं वो तो सभी रहेंगे ही, और बाहर के भी माननीय कार्यकर्ता हैं, जो उसमें विधायक महोदय सबको निमंत्रण दिया है, कुछ मंत्रीगणों को भी निमंत्रण दिया है, मुख्यमंत्री जी को भी निमंत्रण दिया है, हमारे डिप्टी CM हैं उनको भी निमंत्रण दिया है। तो जो ऐसी सब में की उपलब्धता होगी तो जो आएंगे, कन्फर्मेशन सबसे मिला है तो ये देखा जाए। विशेष बात यह है कि ये जो फागोत्सव हो रहा है इसमें वो समस्त कार्यकर्ता हैं जिनका चुनाव के समय में पूरा इन्वॉल्वमेंट था, उन लोगों ने अपना दिन रात एक करके चुनाव में लगे थे। तो हमारे मन में विचार था कि क्यों ना फाग के माध्यम से। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यूपी के सहारनपुर स्थित हकीकत नगर के रामलीला मैदान पर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को हिटलर शाही फैसला बताते हुए कहा कि मोदी सरकार मुख्यमंत्री केजरीवाल की छवि से घबरा गई है और वह अपनी हार से बौखला गई है, जिसके चलते कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि जब तक मुख्यमंत्री की रिहाई नहीं होगी तब तक सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। माननीय केजरीवाल जी को ED ने जो गिरफ्तार किया है गैर संवैधानिक तरीके से, हम लोग आज उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ सभी इकट्ठा हुए हैं, और हमारे इस धरना प्रदर्शन में इंडिया गठबंधन में शामिल सभी राजनीतिक दल अपना सहयोग कर रहे हैं, और हमारी लड़ाई जो है वो संवैधानिक तरीके से जारी रहेगी। अगर माननीय केजरीवाल जी को रिहा नहीं किया गया तो हम घर घर जाएंगे और इस आने वाले आम चुनाव में लोगों को जागरूक करेंगे कि इस निकम्मी सरकार को उखाड़ कर फेंक दे जिसने संविधान। खबर अलवर से है, जहां राजस्थान की डिप्टी CM दिया कुमारी एक दिवसीय दौरे पर अंबेडकर नगर स्थित मीडिया सेंटर का उद्घाटन करने पहुंची। कार्यकर्ताओं ने डिप्टी CM का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया के सामने BJP की उपलब्धियां गिनाई। उद्घाटन कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर विराजमान हमारे उजाला से विधायक बाबा पालक नाथ सिंह को मिलते सांसद भी रह चुके हैं, हमारे सभी पदाधिकारीगण और हमारे पूर्व विधायकगण सभी हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधिगण और मीडिया के बंधु, बहुत ही ये आज हर्ष का विषय है कि यहाँ से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भूपेंद्र यादव जी को भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ टिकट दिया है। भूपेंद्र यादव जी 40 वर्षों से अलवर से जुड़े हुए हैं, और कोई भी राजस्थान या अलवर का भी व्यक्ति उनके पास जाता है तो तुरंत उसके काम होगा। मैंने अपने आप देखा है क्योंकि मेरे क्षेत्र के भी उन्होंने बहुत सारे काम। राजस्थान की डिप्टी CM आज अलवर पहुंची। उनका आज अलवर एक दिवसीय दौरा था, और अलवर के अंबेडकर नगर स्थित उन्होंने मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। इस पूरे मामले में उन्होंने मीडिया से बात की, लेकिन मीडिया ने जब कोई सवाल उनसे पूछा राजनीति मुद्दे पर तो वह उस सवालों से बचती नजर आई। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे कोई प्रेस वार्ता नहीं करने आई हूँ, सिर्फ उद्घाटन करने आई हूँ। जब डिप्टी CM को मीडिया से बात नहीं करनी तो उन्होंने अपनी बात बीच में क्यों रखी। राजनीति में यहाँ पे अलवर में लोकसभा के चुनाव नजदीक है, यहाँ पे अलग ही मुद्दा उठ रहा है कि भारतीय जो प्रत्याशी है भूपेंद्र यादव उनको अलवर की लोकसभा का टिकट दिया गया है, वही ललित यादव को यहाँ का टिकट दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष श्रीकांत जुली ने यह आरोप लगाया है कि भारी प्रत्याशी यहाँ पे क्या काम करेगा। वही ललित यादव का कहना है कि 10 साल भाजपा सरकार ने बेरोजगार जो युवा है उनको युवाओं को पूरा भटकाया गया है। इस पूरे मामले में क्या आगे रणनीति रहती है भाजपा या कांग्रेस की, ये भी एक देखने का विषय रहेगा। फिलहाल अगर डिप्टी CM की बात करें तो
डिप्टी सीएम से जब पूछा गया कि यादव समाज ने आज अलवर में प्रेस वार्ता की थी, उन्होंने कांग्रेस के जो ललित यादव है उनका सपोर्ट किया है, तो इस पूरे मामले में वह सवाल नहीं बता पाई। अलवर से नवतेज टीवी के लिए मैं दीक्षित कुमार। उधर डिडवाना में रमजान के दूसरे जुम्मे पर जनसैलाब उमड़ा है। शहर के मस्जिदों में भारी भीड़ उमड़ी है और सभी ने मिलकर देश में सौहार्द और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। पुराने ईदगाह में नायाब शहर काजी सादिक उस्मानी ने कहा है कि आज से दूसरा असरा शुरू हो गया है। यह असरा मगफिरत का है, इसमें अपने रब से अपने मरहूम रिश्तेदारों और खुद की मगफिरत की दुआएं करें। अलवर के कटुमर में एसडीएम और कृषि उपज मंडी प्रशासक सुखराम पंडरेल ने खेडली कृषि उपज मंडी कार्यालय और नमाज बताया चले अनाज मंडी परिसर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सफाई अतिक्रमण, कृषक कलेवा, अवैध रूप से अतिक्रमण और मंडी परिसर में पालतू पशुओं को बांधने जैसी अनियमितताओं पर नाराजगी जताई है और अधिकारियों को इसमें सुधार करने के निर्देश दिए। उधर बिजनौर में नगीना लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी मनोज कुमार ने नामांकन किया है। नगीना लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी का चुनाव लड़ रही पूर्व अपर सत्र एवं जिला न्यायाधीश मनोज कुमार ने अपने काफिले के साथ कलेक्टर पहुंचकर नामांकन कराया। बता दें मनोज कुमार वीआरएस लेकर चुनाव लड़ रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन और पीडीए की जो मूल भावना है उसे पूरी तरह जनहित में लाने का काम करेंगे। मेन मुद्दा इस मुल्क का है कि भारत का संविधान का राज पूर्णतया कायम हो। आपका मुकाबला किससे मान रहे हैं आप? मुकाबला जो वर्तमान सरकार है उससे, जुल्मी सरकार, पता नहीं खिलाफ है कि नहीं है, लेकिन हम लोग इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में हम लोगों को चयनित किया गया है और हम लोग इंडिया गठबंधन और पीडीए की जो मूल भावना है जो भारत के संविधान में है उसको पूर्णतया हम लोग जमीन पे ले आने का काम करेंगे। अच्छा, आप बाहरी प्रत्याशी हैं तो आपका किसने कहा मैं बाहरी प्रत्याशी नहीं हूँ? मैं नगीना में मेरा रिहाइश मैंने ले लिया है और धामपुर में रह रहा हूँ। 10 महीने की करीब सेवा की है। बाहरी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी थे, मुझसे ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है और आप लोगों के जरिए और इस गैप को बढ़ाया जाता है। लोकसभा का चुनाव जो है कहीं ये नहीं लिखा है भारत के संविधान में कि कोई भी व्यक्ति कहीं पर्टिकुलर जगह का हो। कोटा के गुमानपुरा थाना क्षेत्र में एक छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद परिजन उसे एमबीएस अस्पताल लेकर पहुंचे जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है और मामले की जाँच में जुट गई है। कल दिनांक 21/3/2024 को शाम को 7 बजे करीब थाने पर सूचना मिली थी कि 80 फीट रोड के पास न्यू बस स्टैंड के पीछे एक लड़की ने फांसी लगा ली है। इस पर मैं मौके पर पहुंचा था जहां से एक लड़की कमरे में लेटी हुई मिली थी, उसके परिजन मौजूद थे जिन्होंने बताया कि इसने जो है चुन्नी से गले में फांसी लगा ली। उसको तुरंत ला करके हॉस्पिटल में दिखाया था, डॉक्टर साहब ने उसको मृत घोषित कर दिया। लड़की का नाम रितु पुत्री वीरेंद्र कुमार 20 वर्ष है, जो उम्मेदगंज कोटा की रहने वाली है। उधर झालावाड़ के कामखेड़ा में एक विवाहिता महिला की मौत का मामला सामने आया है। मृतक महिला के पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित कर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया। महिला के शरीर पर भी चोटों के निशान मिले हैं। कामखेड़ा थाना प्रभारी सुनील वर्मा ने बताया कि देर रात फोन के जरिए कामखेड़ा में महिला के सुसाइड की खबर मिली थी। जब सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची जहां महिला अचेत अवस्था में पड़ी हुई थी, वहीं महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। 10 मिनट पहले बनाई थी कामखेड़ा, शाम को 7-8 बजे इसके सासू ससुरा पति और मामी ससुरा वहाँ पास में ही रह जाए, उनकी बच्चे ने सारा ने मार किसी को फ़ोन भी नहीं किया। 4 घंटा बाद फिर कोई दूसरा ने फ़ोन लगाया जब जा गए। क्या नाम है इसमें? रीना भाई। बेटे बच्चे बच्चे भी? हाँ, 5-6 महीने। किस पे आपको सर शक? उनको है ना शाम को ही लड़ाई झगड़ा हो रहा, परसों को दंदर हम भी जारी के खिलाफ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इसके लिए मारपीट करते थे। पहले मांगा थे जा? हाँ पहले मांगा। कितना मांगे? क्या मांगे? पहले सब कुछ ही दे दिया, फिर भी मांगे ही। जो महिला है जो कामखेड़ा की है, पीएल का गांधी थाना क्षेत्र में है,
और उनकी संध्या प्रकृति में मौत है, उसकी बोर्ड से हम पोस्टमार्टम करवा रहे हैं और इसमें हमने केस रजिस्टर कर लिया है। डिप्टी एसपी अकलेरा इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और बिल्कुल सही अनुसंधान करके जो भी इसमें कार्रवाई होगी विधिक कार्रवाई की जाएगी। परिजनों द्वारा दहेज हत्या के आरोप लगे हैं। हाँ, ये बात सही है, परिवारजनों इस तरह की बात है, तो हम इन्वेस्टिगेशन फेयर करेंगे और सही करेंगे और इस संदर्भ में हमने बोर्ड गठित करके। और खबर यूपी के बहराइच से है, जहां सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने एक साल के मासूम के साथ दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी के खिलाफ 1,28,000 का अर्थदंड भी लगाया गया है। पुलिस ने घटना के दूसरे दिन ही चार्जशीट दाखिल कर दिया था। न्यायालय पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट वरुण मोहित निगम ने अपना फैसला सुनाया। को थाना नानपारा के क्षेत्रांतर्गत एक वर्षीय बच्ची के साथ एक लगभग 55 वर्ष के पुरुष द्वारा दुष्कर्म किया गया था, जिसमें बच्ची को काफ़ी चोट भी आई थी। उसको उपचार के लिए लखनऊ भी भेजा गया था और तभी हमने जो प्रेस बाइट दी थी उसमें यह कहा था कि इसमें फास्ट ट्रैक ट्रायल के माध्यम से सजा कराने का प्रयास किया जाएगा। तो उसी के क्रम में इस प्रकरण में विवेचना मात्र 7 दिन में सीओ नानपारा द्वारा संपादित करवाई गई और उसके बाद हमारे विशेष अनुरोध पे माननीय न्यायाधीश पॉक्सो जज द्वारा भी प्रकरण की गंभीरता को लेते हुए इसमें 3 ही दिन में संज्ञान लेते हुए फास्ट ट्रैक ट्रायल आरम्भ किया और माननीय न्यायालय के 15 कार्य दिवस में इसमें आज सजा सुनाई गई है और अभियुक्त को इस घिनौनी हरकत के लिए अपने जीवन के अंत तक सश्रम कारावास की सजा तथा 1,28,000 रुपए। 2018 ये वो साल था जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और उन दिनों विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त मिली थी। हार ऐसी हुई कि पार्टी के अंदर बगावत के सुर सुनाई देने लगे, जिसकी रोज नई खबरें सामने आ रही थी, जिसका खामियाजा पार्टी को आगामी चुनाव में भुगतना पड़ सकता था। खैर, राजनीति हो या आम जीवन, जहां समस्या होती है वहीं समाधान भी होता है। यहां बीजेपी के लिए समाधान बने सीपी जोशी, जो जब चुनावी समर में उतरे तो बीजेपी को जीत दिलाकर ही रुके। 2023 ये वो साल था जब बीजेपी का मरुधरा में कमल खिला और इसके पीछे थे सीपी जोशी। पेश है ये खास रिपोर्ट। राजस्थान में बीजेपी के कद्दावर नेता कहे जाने वाले सीपी जोशी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर 23 मार्च 2023 को अपना पदभार ग्रहण किया था। यानी पिछले साल 23 मार्च 2023 को पार्टी ने उन दिनों के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रहे सतीश पूनिया को हटाकर चित्तौड़गढ़ से लोकसभा सांसद सीपी जोशी को प्रदेश की बागडोर सौंपी थी। उस वक्त जोशी के सामने दो सबसे बड़ी चुनौती थी, एक पार्टी को राजस्थान में जीत दिलाना और दूसरा पार्टी और संगठन को सूबे में मजबूत करना। ऐसा इसलिए क्योंकि सूबे में उस वक्त कांग्रेस की गहलोत सरकार सत्ता में काबिज थी और गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को शिकस्त दी थी। पदभार संभालने के दौरान ही जोशी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया और सबसे बड़े चैलेंज को भी पार करने की कवायद में जुट गए। चैलेंज था पार्टी को 2023 के विधानसभा चुनाव में विजयी बनाना। शायद इस वजह से ही उन्होंने पहले से ही पार्टी को मजबूती देने के साथ जनसभाएं करनी भी शुरू कर दी और तो और नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करने लगे थे। अपने सहज स्वभाव और सबका साथ सबका विश्वास विजन के साथ जोशी आगे बढ़े और जमीनी स्तर पर जाकर आमजन से सीधा संवाद किया, जिससे केंद्र और बीजेपी की योजनाओं को सही तरीके से जन जन तक पहुँचाया जा सके। पदभार संभालने के दौरान ही सीपी जोशी ने मंच से हुंकार भरी और कार्यकर्ताओं से ये आह्वान किया कि कोई भी मेरे नाम का नारा नहीं लगाएगा, बल्कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के नारे लगाए जाएंगे। साथ ही जोशी ने खुद को एक आम कार्यकर्ता कहकर ये संदेश भी दिया कि कोई भी खुद को पार्टी से ऊपर नहीं समझेगा, सभी सिर्फ पार्टी के लिए काम करेंगे। इसके साथ ही सीपी जोशी ने ये भी ऐलान किया कि जब तक पार्टी की प्रदेश में सरकार नहीं बन जाती, तब तक वो साफा नहीं पहनेंगे। इस पंडाल में विराजमान पूरे प्रदेश भर से आए हुए देवतुल्य कार्यकर्ता भाइयों और बहनों को प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज एक बार मैं नारा बुलाऊंगा, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, वंदे मातरम। अब इसके अलावा कोई नारा नहीं होगा, मेरा माफ करो,
मुझे सौगंध दिलानी होगी, अगर मुझे जीना देखना चाहते हो तो मेरा नाना आज के बाद मत लगाना। मैं आप ऐसे साधारण कार्यकर्ता हूं और आप ऐसे किसी कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दे रही थी। मेरे से कई योग्य और कई वरिष्ठ और कई अनुभव के कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं, लेकिन एक कार्यकर्ता के नाते किसी को ये भूमिका देनी थी, मुझे दी है, तो मुझे सम्मान आपका आशीर्वाद चाहिए, इस राजस्थान की सरकार को उखाड़ फेंकने। अब ऐलान इतना बड़ा था तो नतीजा भी बड़ा ही आना था, फिर क्या। 3 दिसंबर 2023 ये वो समय था जब राजस्थान से बीजेपी ने कांग्रेस की गहलोत सरकार को उखाड़ फेंका और मरुधरा में 115 सीटों के साथ कमल खिला दिया। सीपी जोशी की कुशल संगठनात्मक कार्यशैली से प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह खासे प्रभावित हैं। यही कारण है कि हाल ही में पार्टी ने सीपी जोशी को एक बार फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान में कमल खिलाने की बड़ी जिम्मेदारी दी है। खैर, विधानसभा चुनावों की जीत के साथ ही जोशी लोकसभा चुनावों के रण में उतर चुके हैं। यही कारण है कि राजस्थान में सत्ता और संगठन एक साथ कदम ताल करते नजर आ रहे हैं। अक्सर राजनीतिक दलों में कई बार सत्ता और संगठन में तालमेल का अभाव देखने को मिलता है, लेकिन प्रदेश में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की जोड़ी प्रदेश में मिशन 25 को पूरा करने के लिए मजबूती से आगे बढ़ रही है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, बाकी और भी खबरों के लिए बनी रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।